सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए डॉक्टर हाउस। जसलोक हॉस्पिटल उधर मेरे सामने है और यहाँ पे हम आए हैं डॉक्टर नासिर फलारा से मिलने। आई नो आप सब बहुत एक्साइटेड है टू मीट द मैन हिमसेल्फ। मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ, आफ्टर ऑल ही इज़ अ प्राइड ऑफ फॉर आर कम्युनिटी। ये जो शो है वी द मेमन इज़ ऑल अबाउट यू नो हमारे उन लीडर्स से मिलना, उनसे बातें करना जिनसे हम सब इंस्पायर हो सकते हैं, जो हमको आगे जाने के लिए गाइड कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं हम सबके लिए रोल मॉडल्स हैं। सो चलिए स्टोरी भी जानेंगे और उनके बारे में और समझेंगे और देखते हैं कि किस तरह से इनकी जर्नी यहाँ तक आई है। समथिंग, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे रॉयल फैमिली ऑफ अबू धाबी, दुबई, सऊदी, उन सब में एक चीज कॉमन है और वो एक चीज कॉमन क्या है? द मैन हिमसेल्फ, डॉक्टर नासिर फलारा। सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग एंड थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग आपका ये प्रेशियस टाइम एट दिस काइंड ऑफ एन आवर, यू नो कोविड के टाइम पे यू जस्ट टुक दिस टाइम आउट। I think it's a very big honor, sir, to have you on board for this. In fact, I am humbled and honored with this opportunity that I have been given to interact with you and the community at large. I'm always there. Anything from you, please let me know. तो सबसे पहले सवाल जो मेरे भी दिमाग में आ रहा है एंड आई एम श्योर आप सबके भी दिमाग में आ रहा होगा कि ये पहले एपिसोड का नाम द यूजलेस बॉय क्यों है? ऐसा है कि मुझे तो नहीं मालूम आपके बारे में कि आप बचपन में कैसे थे और अभी रिट्रोस्पेक्टिवली आप अपने आप के वो बचपन को कैसे लेबल करेंगे, लेकिन मैं जब रिट्रोस्पेक्टिवली सोचता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही यूजलेस अपने आप को पाता हूँ। और ऐसा आपको क्यों लगता है कि आप यूजलेस थे अंकल? जो माँ बाप के एक एक्सपेक्टेशंस होते हैं, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि ये इसका बेटा है, वो एक्सपेक्टेशन से मैं बहुत दूर था। गाइस, देखने की बात तो ये है कि यहाँ पे हम में से कितने लोग हैं ऐसा जो अपने आप को कहीं ना कहीं यूजलेस मानते हैं, या अपने आप को, या किसी ने कह दिया हमको कि यार तुम यूजलेस हो यार, या तुमको कुछ नहीं आता। हम में से अंकल ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं इतने लोगों से यूथ में भी मिलता हूँ वगैरह, जो बोलते हैं कि यू नो अंकल हम वसीम भाई, अंकल वसीम अंकल के हमसे तो ये नहीं हो पाएगा, हम तो ये नहीं कर सकते, यू नो हमको रिस्क लेने से डर लगता है, या हमारे को ये इशू आता है, वो इशू आता है। आई थिंक हर वो बंदा जो आज तक मेरे से मिल के ये कहे कि मैं ये नहीं कर सकता, या मेरे में ये इशू आ रहा है, या कहीं ना कहीं मैं अपने आप को यू नो यूजलेस मानता हूँ, आप सबके लिए आज एक सबक है कि दिल में अपने आप को आप यूजलेस भले मान रहे हो, बट अगर आपने अपने आप को, अपने टैलेंट को सही तरह से चैनलाइज किया तो यर्स अ मैन सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अंकल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग दिस एपिसोड दिस, बिकॉज इससे हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को अब इतना मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि हर किसी ने आई एम श्योर सुना है कभी ना कभी लाइफ में कि भाई तू तो यूजलेस है, और आज वो हर बंदा सोचेगा कि यार कौन बोला मैं यूजलेस हूँ, मुझे डॉक्टर नासिर फुलारा बनना है लाइफ में। अंकल एक बात बताओ, ये मैंने सुना हूँ आपके बारे में, ये सच है कि नहीं कि टिल क्लास एट, क्योंकि अभी तो आप बहुत फराटेदार इंग्लिश बात कर रहे हैं, बट टिल क्लास एट मैंने सुना है आपने इंग्लिश की तरफ कभी देखा भी नहीं था,
ये वाला पार्ट किया था? ये बड़ा सीक्रेट था, आपको कैसे पता चला मुझे नहीं मालूम लेकिन बिल्कुल सही बात है, रंगून का पीरियड बहुत शॉर्ट रहा और जब हम इंडिया आए तो कोई स्कूल में मुझे जगह नहीं मिल रही थी, कानपुर लेके गए और वहाँ एक ही स्कूल में अवेलेबिलिटी थी, वो थी संस्कृत मीडियम स्कूल, वहाँ पे मुझे थोड़े वक्त के लिए डाल दिया गया, इसको जल्दी से दूसरी स्कूल में डालो, तो गुजराती मीडियम स्कूल में डाल दिए, श्री चतुर्भुज शिव जी करके ये स्कूल थी, बड़ी एथनिक गुजराती मीडियम स्कूल थी। तो यूँ देखा जाए तो हिंदी मीडियम, संस्कृत मीडियम और बाद में गुजराती मीडियम, ये 8th स्टैंडर्ड तक मेरा चला। ओके, एंड अंकल जैसे ये इंग्लिश का जो बैरियर था, जो कि क्योंकि मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे यूथ हैं यहाँ पे, हमारे मेंबर्स जो मुझसे मिलते रहते हैं बोलते हैं वसीम भाई हमारा इंग्लिश में हार्ट टाइट है तो शायद वो हमको ग्रो करने से रोकता है। प्लीज़ इन सबको बोलो, आप लोग सब ध्यान से सुनो कि इंग्लिश जो है आप सीख सकते हैं जब सही टाइम हो, बट उसको ये मत समझो कि मुझे बोलना नहीं आता तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ये देखिए ही इज ट्रीटिंग सम ऑफ द बिगेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, ही इज लाइक गॉन टिल हियर एंड ही लर्नड इट ऑन द वे, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं अंकल, प्लीज़ इनको बोलिए ये चीज़। ऐसा है कि जब मुझे बॉम्बे लाया गया, मेरे फादर ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में मुझे दाखिला करवाने की बहुत कोशिश की, उस दरमियान अगेन एक म्यूनसिपल्टी स्कूल में मुझे जगह मिली जहाँ स्वीपर्स अपने BMC के जो थे वो भी गुजराती स्कूल थी, लेकिन वालिद चाहते थे, डैडी चाहते थे कि मेरा बेटा इंग्लिश में जाए। हालांकि मैं बहुत बड़ा अटेंटिव नहीं था स्कूल में क्योंकि फोकस नहीं हो रहा था कहीं पे, तो डैडी चाहते थे कि एटलीस्ट तो इंग्लिश थोड़ा बोलना सीख जाए, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू, इतना तो सीख ले तू, क्योंकि मुझे सिर्फ ABCD आती थी, उसके आगे कुछ नहीं आता था। तो जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिला ही दिया तो बहुत तकलीफ हुई शुरुआत में, एक चैलेंज था, स्कूल वालों ने कहा कि अगर ये लड़का आपका पास होता है तो ही हम आप आगे इसको क्लास में रखेंगे, नहीं तो उसको आप बैक टू द पेविलियन, आप अपने आप पे थैंक यू वेरी मच ले जाइएगा। तो मेरे पास बहुत वक्त कम था वसीफ भाई अपने आप को प्रूव करने के लिए, और कोई चॉइस नहीं थी बट टू वर्क हार्ड एंड टू प्रूव दैट आई एम नॉट यूजलेस। देखिए यही तो रीज़न है हम ये शो कर रहे हैं ताकि आप लोग एक चीज़ समझ लो कि लाइफ में कोई भी बैरियर ना ईजिली क्रॉस हो सकता है, बस यहाँ पे मेंटेलिटी में रख दो कि मैं वो ओवरकम कर सकता हूँ। अगर आप ओवरकम कर सकते हैं, अगर अंकल ओवरकम कर सकते हैं, आई थिंक ऐसा कोई चैलेंज नहीं है इस दुनिया में जो एक इंसान ओवरकम नहीं कर सकता है। अंकल थोड़ा उस टाइम की बात करें जब आप यू नो एक स्टूडेंट थे, जस्ट कॉलेज का वो पहला दिन, वो सब मेमोरीज कुछ है आपके याद है अभी, और किस तरह से यू प्लान्ड द एंटायर थिंग ऑफ गेटिंग टू द कॉलेज एंड ऑल? बॉम्बे में विंसन कॉलेज में मुझे जगह मिली स्कूल के बाद, तो डैडी को मैंने याद दिलाया, डैडी आपने कहा था SSC के बाद तो बस तुम SSC हो जाओ, मेरी दुकान में आ जाना। डैडी बोले देखो बेटा एक दो साल बॉम्बे में थोड़ा पढ़ लो, नहीं मजा आए तो चले आना, दुकान के दरवाजे तो खुले हैं, विल्सन कॉलेज सामने चौपाटी, अच्छा माहौल, और मुझे सही लगा कि चलो एक दो साल और पढ़ के देखते हैं। देयर वॉज नो ड्रीम एट ऑल एट दैट टाइम अनफॉर्चुनेटली विच वन शुड ड्रीम, मैं ये हमेशा ये सोचा और देखा कि अगर आप ड्रीम आपका है वो ड्रीम एम्बिशन बन जाना चाहिए, सो ट्रू, और एम्बिशन अगर जो आपका हो जाता है तो उसके लिए आप खूब मेहनत कीजिए, और जब आप मेहनत की जर्नी पे निकलते हैं वो एम्बिशन वो टारगेट अचीव करने के लिए वो या वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, वो अगर आप ईमानदारी से और उसको इंजॉय करते करते आप जाते हैं
तो ये सफ़र भी बड़ा जल्दी पार हो जाता है और डेस्टिनेशन भी हम पहुंच जाते हैं। और बड़ा बड़ा अच्छा लगता है जब अपनी आपकी खुद की एक इंडिविजुअलिटी या अपनी पहचान बन जाती है। तो अंकल, जो आपकी बातों से मैं समझ रहा हूँ, आप ये बोल रहे हो कि जो चीज़ में आप लाइफ में करना चाहते थे या जिसकी तरफ आप लॉन्ग कर रहे थे, जैसे साइंस आपको अपील कर रहा था, तो आपने वो किया। आपने ये नहीं सोचा कि मैं इसमें कितना कमाऊँगा या कितना ग्रो करूँगा। आपको शायद जो चीज़ पसंद थी आपने उस पर पूरी जान लगा दी, इज़ दैट राइट? एब्सोल्युटली वसीम भाई, मुझे तो अपनी पढ़ाई पढ़ने के लिए की थी, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कितना कमाऊँगा। मैंने तो पढ़ाई अपने आप को एक अपनी पहचान बनाने के लिए की थी। अंकल बट एक बात बताओ, 12th स्टैंडर्ड तक तो आप बोल रहे हो कि यू आर कन्फ्यूज क्या करना है, ये सडनली डॉक्टर बनने का कैसे हुआ? ये स्टोरी तो ये मेरे फादर जो थे ना, वो बड़ा इंसेंटिव देते रहते थे और बहुत ज़्यादा मुझे शायद ओवर बर्डन या बर्डन बिल्कुल करना नहीं चाहते थे। एवरी स्टेप मुझे देख रहे थे कि ये पढ़ाई करता है तो अच्छा मार्क्स ला सकता है। तो वापस मैंने 12th के बाद कहा कि डैडी मैं अभी कानपुर चला जाऊँ, मिल ज्वाइन कर लूँ। बोला देखो बेटा, वहाँ आओगे तो क्या है, एक मैनेजर की जगह पे और तुम बैठ सकोगे? अभी नहीं, अभी तो तुम लोअर लेवल पे रहोगे, और 2-3 साल क्यों नहीं पढ़ते हो ज़्यादा, ट्राई करो ना प्रोफेशनल कोर्सेज में। मैं बोला प्रोफेशनल कोर्सेज में मैं यंग था, मैं क्या कमाऊँगा? वो बात जो आपने कहा वो उस टाइम पे मेरे दिमाग में आई। उस टाइम पे हम वालिदों को हमारा रोल होता है कि बच्चों को एक सही तरबियत दे। सो ट्रू। अगर हम वहाँ फेल हो जाते हैं तो वो बच्चे उस पर शायद चले जाते हैं, क्योंकि हम कामयाबी इंसान की कमाई की कितनी ताकत है उसके ऊपर से हम तय करते हैं। अगर वो पढ़ा लिखा है लेकिन कमा नहीं रहा है तो वो फेल है, वो गलत है। जो पढ़ाई से जो इंसान अपने आप की पहचान बनाता है वो एक ऐसी दौलत कमा के बैठा है कि उसको ज़िंदगी में हर मोड पे, हर स्टेप पे, कहीं पे भी वो जाएगा उसकी वो पहचान उसको बन के उसको रिस्पेक्ट दिलाती रहेगी, रिकग्निशन दिलाती रहती है। बिल्कुल। फिर आप अमीरों के साथ में भी बैठे हो तो आपकी पहचान आपकी एजुकेशन से होगी। आपने जो एक बेहतरीन आपका फेज़ रहा है जहाँ पे ऑलमोस्ट हर मेमन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे मेमन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हो, चाहे ऑल इंडिया हो, चाहे WMO हो, चाहे WMF हो, ऑलमोस्ट हर, चाहे मेमन वेलफेयर हो, आई मीन ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने हेड किया है। और ये वाली जो जर्नी है ये हम यहाँ बैठ के नहीं करेंगे, हम इनके साथ कार में जाएंगे और इनसे सवाल करेंगे और उस जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने वो पूरा फेस देखा जहाँ पे वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर तो थे ही थे बट एक ह्यूजली सक्सेसफुल कम्युनिटी लीडर भी बने। तो ये वाला जो फेज़ है हम ऑन द वे इनके साथ कार में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग अंकल के साथ एक्चुअली जाने वाले हैं दादा मंजिल, जहाँ पे अंकल का जो एक पूरा जो यंग एज का फेस था और जो अंकल ने जब कम्युनिटी वर्क शुरू किया तो वो पूरा फेज उनका उस जगह गुजरा है। सो हम वहाँ जाके उनसे बात करेंगे अबाउट हिज होल एक्सपीरियंस ओवर देयर। अंकल उससे पहले एक मुझे आपसे बात जानना है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे हमारे यूथ मेंबर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई हमको कम्युनिटी में अभी टाइम नहीं देना है, बिकॉज अगर अभी ये करेंगे तो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपका उनके लिए क्या मैसेज है? मैं ये कहूँगा कि वन इज़ टू लर्न टू बैलेंस एवरीथिंग। दूसरी चीज़ कि आप औरों का ख्याल करो, अल्लाह अपना खुद अपना ख्याल कर लेगा। यानी ये मेरा ईमान है। औरों की फिक्र करो, खुद की फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, बस नीयत साफ होनी चाहिए। और जब मैं सोशल एक्टिविटीज़ में मुझे पकड़ के लाया गया अपने बुज़ुर्गों की वजह से, तो लोग हंसते थे कि अपनी प्रैक्टिस भी तुमने सेटल नहीं हुए हो, ना घर है तुम्हारे पास, एक छोटा सा स्कूटर सेकंड हैंड लेके घूम रहे हो, फैमिली को लेके, दो बच्चियों को लेके,
अभी टाइम नहीं है, सोशल एक्टिविटीज़ में अपना वक्त दोगे तो घर कब पहुंचोगे? मुझे मालूम नहीं क्यों, लेकिन कभी मुझे उसकी फिक्र ही नहीं हुई। जिस हालत में हम लोग जैसे भी थे, बहुत ही पॉजिटिव रहते थे, बहुत ही हर एक पल हम इंजॉय करते थे, जो हमारे पास यू नो फ्रिज नहीं था तो बर्फ़ लेके ठंडा पानी पीते, लेकिन बहुत खुश रहते थे। एक स्कूटर पे दो बच्चों को आगे पीछे रख के, एक को आगे एक को पीछे, वाइफ के बीच में और मेरे बीच में, हम बहुत खुश रहते थे। तो मुझे लगता है कि जिसको काम करना है ना, उसके लिए हर वक्त सही वक्त है। उसके लिए कोई ऐसा पीरियड नहीं है कि मैं इसके बाद शुरू करूँगा, लेकिन कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आप जिस तरीके से कौम के लिए आप हेल्पफुल हो सकते हैं, आप इनको हेल्पफुल होना शुरू तो कर दीजिए, और ग्रूम होते होते कौम को समझते समझते किस तरीके से आपको काम करना है, उसको भी तो वक्त लगता है। तो इस तरीके से ग्राउंड लेवल से आप शुरू कीजिए, तो आपको पल्स मिलेगा ऑफ द कम्युनिटी। तो जब पल्स मिलेगा ऑफ द कम्युनिटी, तो उसका दुख दर्द तकलीफ को बहुत करीब से आप उसको समझ सकेंगे। तो उसको किस तरीके से फिर हमको अल्लाह की मदद से उसको वो उस तरीके का काम करना है, उसकी सहूलियत भी आ जाती है हमें। नहीं, सही बात है बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कम्युनिटी में काम करके, अंकल मेरा मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, चाहे कितना भी स्केड्यूल जैसा भी हो, रात को नींद बहुत अच्छी आती है। और वो वसीम भाई, एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है US में जी, जो सबसे ज़्यादा लंबे जिए हैं उनकी हिस्ट्री ली गई, उनसे इनका इंटरव्यू लिया गया, और 99% वो सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सोशल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व थे। तो उसका मतलब ये हुआ कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ अगर आप ऐसा काम करते हैं जिससे आपको रात को एक इत्मीनान होता है कि आज मैंने अपनी पूरे दिन में मैंने कोई अच्छा काम किया, किसी के काम आया, किसी की दुआ मिली मुझे, किसी को खुश किया, किसी के मुंह पे खुशियाँ देखी मैंने अपनी वजह से या अपनी अपनी कोशिश से, तो उससे जो नींद आती है ना, वो आपको कोई मेडिसिन से नींद नहीं आ सकती है। दादा मंजिल जो है वो कम्युनिटी सर्विस के अंदर में एक आइकॉनिक बिल्डिंग कही जाती है, क्योंकि यही बिल्डिंग में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर कम्युनिटी हैव टेकन द बर्थ। वेलफेयर फर्स्ट फ्लोर पे है, जहां मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम यहां गुजरता था। वहीं से फेडरेशन भी जन्मा, वहीं से चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी जन्मे, यानी वहीं से शुरुआत हुई। और मैं थर्ड फ्लोर पर ये जगह पर 25 साल रंगून के बाद जब आया कानपुर के बाद, मैंने यहाँ निकाले जहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई, जहाँ पे मैं रहता था, और आज भी हम लोग की यहाँ पे ये प्रीमाइसिस है। और ये रूम के अंदर में मैं अपने बच्चों के साथ, दो बेटियों के साथ, और अपने आप को यहाँ पे रखा था। आई यूज़ टू डू अप एंड डाउन, जे हॉस्पिटल जाना, जे हॉस्पिटल से यहाँ आना, और इस तरीके से हम वीकेंड को यहाँ आते थे, मंडे टू फ्राइडे वहाँ रहते थे, और इस तरीके से हमारी 25 साल की ज़िंदगी, पढ़ाई की, ये बिल्डिंग में, ये जगह पे मेरी गुजरी। वो बहुत ही क्राउडेड ये रहता था, कम से कम 30 लोग हमारे कम्युनिटी के, हमारे गांव के लोग फ्री उनको यहाँ पे सोने के लिए सहूलियत दी जाती थी। पैसा हो ना हो, हमारी VC जिसको बोलते हैं, ऑफिस को PD हम लोग बोलते हैं, VC बोलते हैं, वो वहाँ पर खाना खिलाया जाता था। और जो मालिक थे, खास तौर पे डगली सेठ, पुलारा सेठ, ये लोग इनके साथ सो भी जाते थे, पता भी नहीं चलता था कि कौन इसमें मालिक है और कौन इसका गेस्ट है। और कभी कभी तो मालिक को भी सोने की जगह नहीं मिलती थी। तो इतनी सिंपलिसिटी आज के ज़माने में भी मिलना बहुत ही कम होगा। और मुझे ये उनसे मैसेज मिला कि लाइफ में अल्लाह की जितनी भी आपके ऊपर करम हो, अपने आप को शुक्र अदा कीजिए, और अपने आप की लाइफ को सिंपली से जितना सिंपल हो सके उतना रखिए, इक्वालिटी मेंटेन कीजिए, कभी ऊंच नीच मत अपने आप के बिहेवियर में दिखाइए, और उससे अल्लाह बहुत खुश रहता है। और खुशियाँ ही खुशियाँ हमको, हमने यहाँ देखी, कभी किसी के साथ कोई झगड़ा होते हमने नहीं देखा।
यूथ से मैं यही कहूँगा कि मेक द बेस्ट ऑफ टुडे व्हाट एवर यू हैव एब्सोल्युटली एंड मेक यूज ऑफ द बेस्ट ऑफ टुडे इन मेकिंग योर टुमारो द ब्राइटेस्ट वन. देयर आर नो ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं कल ब्राइटेस्ट फ्यूचर नहीं बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ब्राइटेस्ट प्रेजेंट नहीं है. मैंने जीरो से हीरो बनते भी देखा है और कितने हीरो जिनके पास हर सहूलियत अल्लाह ने दी थी उन्होंने अपनी जिंदगी को बिल्कुल एक जीरो बना दिया. अपनी कौम के लिए जिस तरीके से आप हेल्पफुल हो सके कौम के लिए आप हेल्पफुल होइए. जिस तरीके से आप कौम में हिस्सेदार बन सके उसमें हिस्सेदार बनिए कौम की सेवा में. और कभी भी अपना ईगो मत लाइए. कभी भी आप कोई पोजीशन के लिए भागदौड़ मत कीजिए. तो अपने आप को ये हमेशा सवाल पूछते रहिए कि मुझे कहाँ जाना है. हमको तो आप सबको नीचे जाना है, ज़मीन में जाना है. किसके लिए मुझे भेजा गया? हमको खिदमत के लिए भेजा गया है, रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए भेजा गया है. और आखिर मुझे क्या जवाब देना है? अल्लाह ताला को जवाब देना है, सूर को जवाब देना है. उम्मत के लिए जो काम करूँगा वही मेरी सही तरीके से दौलत होगी, उसका ही मुझे इनाम दिया जाएगा, बाकी कुछ मेरे साथ नहीं आने वाला है. तो ये सारी चीज़ें सोचना है रोज़ रात को सोते समय. मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, मैंने किसी का कुछ काम किया कि नहीं, मैंने किसी के मुंह पे हंसी लाई कि नहीं, किसी को खुश किया कि नहीं. और इस तरीके से मुझे अपने आप को खुश रख के रात को सोना और अल्लाह का शुक्र अदा करना है. अगर आप में वो ईगो आ गया, अहम आ गया, तो आप दूर हो गए. आप जो सफ़र के लिए निकले थे कि मुझे अच्छा काम बन के जन्नती बनना है, तो वो हम न बने और अल्लाह का खौफ रखे और हर दिन हर वक्त हमको एहसास रखना है.